हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लाया हूं। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, टाइटल था माय एक्सपीरियंस इन रिटन बार्क ऑनलाइन एग्जाम। तो बेसिकली एक्सपीरियंस में पूरी जर्नी नहीं बताऊंगा, एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है उसके बेस पे मैं यहाँ आपको ये आइडिया देना चाहूंगा कि अगर आपके पास अभी देखो ऑलमोस्ट 45 डेज बाकी है, आपकी जो बार्क की एग्जाम है वो 5 से 15 सितंबर के बीच में होने वाली है, इन 10 दिन के बीच में आपकी एग्जाम होगी, तो उसके लिए आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको कैसे एडॉप्ट करनी चाहिए और अभी आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा था वो मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ स्लाइड्स के थ्रू यहाँ पे शेयर करूंगा। तो उसके बाद एक आता है इंटरव्यू का स्टेप। तो इंटरव्यू का स्टेप जब रिटर्न क्लियर हो जाएगा, मतलब वो मैं बाद में जब बार का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, उसके बाद में एक वीडियो इंटरव्यू पे भी बनाऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं रिटर्न पे, ओके। तो रिटर्न की देखो अगर बात करें तो बार्क में सिलेक्शन के दो रास्ते होते हैं, एक आपका गेट स्कोर, दूसरा आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम। तो देखो अगर यहाँ पे मैं एक चीज आपको पहले ही बता दूं, है ना, एक चीज आप पहले ही देख लो, अगर गेट में स्कोर 825 डबल ई की बात कर रहा हूं, यहाँ पे पूरा मेरा जो फोकस है ना डबल ई ब्रांच पे होगा क्योंकि मुझे इसी का आइडिया है और किसी का भी नहीं, ओके। अगर आपका गेट का स्कोर 825 और 850 के बीच में है तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको बार्क से कॉल आएगा। आई थ्री बात समझ में, और 800 से नीचे है फिर तो बहुत ही कम चांस है, फिर आपको रिटर्न पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। इवन अगर स्कोर ये भी है तो भी रिटर्न पे ज्यादा ही फोकस करो, कुछ बोल नहीं सकते, कंपटीशन बढ़ रहा है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर के जो कट ऑफ थे उनके बेसिस पे बता रहा हूँ, अगर 825 और 850 के स्कोर के बीच में आपका स्कोर है तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। तो बार के अगर हम एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं पेपर के, 300 मार्क्स। ये होता है ऑनलाइन एग्जाम। इंटरफेस बिल्कुल जैसा गेट का होता है वैसा ही होता है, लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंस है, गेट में आपके पास 3 घंटे होते थे, यहाँ पे आपके पास 2 घंटे ही होंगे। ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर जो होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको फिजिकल कैलकुलेटर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है और अलाउ भी नहीं करेंगे, ओके ठीक है। तो ध्यान किस पे देना है, 100 क्वेश्चन 2 घंटे 300 मार्क्स। तो आप यहीं से इमेजिन कर सकते हो, अपना बेसिक आईक्यू लगा सकते हो कि गेट में 65 क्वेश्चन थे, 3 घंटे थे, यहाँ पे 100 क्वेश्चन है लेकिन 2 घंटे हैं, तो इसका लेवल गेट से कम ही होगा, ओके। तो चलो अभी आपके पास मैंने क्या बताया, 45 दिन बाकी है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 मैक्सिमम मार्क्स और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ओके, और आपके पास 2 घंटे होते हैं। तो हमारा टारगेट है इन 2 घंटे में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो देखो डबल ई की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आपने 80-20 रूल, तो फर्जी वाले रूल जो होते बहुत पड़े होंगे, ओके, फालतू किसी काम के नहीं आते, लेकिन ये यहां पे जो मैंने लिखा है 70-30 रूल, क्या लिखा है 70-30 रूल, यहां पे ये बहुत ही इफेक्टिव है। 70-30 रूल का मतलब है जब बार की एग्जाम देने जा रहे हो, मैं यहां पे बात कर रहा हूं डबल ई ब्रांच की, तो ये जो मैंने 6 सब्जेक्ट्स लिखे हैं यहां से आपका 75% में बोल सकता हूं 75% पेपर जो है इन 6 सब्जेक्ट से ही फ्रेम हो सकता है। इतनी बस होता है, मतलब जो लास्ट ईयर के मैं आपको बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक, मैंने 2016 में एग्जाम दी थी तब भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा था, और मैंने अभी कुछ स्टूडेंट से पूछा, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है बार्क में उनसे भी पूछा, अभी भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इनको रेडी करके जाओगे तो तुम्हारा 70-75% कवर हो जाएंगे क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं इन 6 सब्जेक्ट्स में से। मैं आगे बता रहा हूं इनको पढ़ना कैसे, अभी बस ये नोट कर लो, स्लाइड है तुम डाउनलोड स्क्रीनशॉट ले लो, इन 6 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी बात करते हैं यहां पे 30%, ओके, इसको मैं बोलूंगा 30% भी बोलना ठीक नहीं है, इसको बोल दो 20-25%, ओके 20-25%। तो यहां पे देखो डिजिटल एनालॉग, ईएमएफटी, मैक्स, सिग्नल एंड सिस्टम, मटेरियल साइंस, यहां से 20-25 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और मैं आपको एक और बार बता दूं, अगर आप डबल ई ब्रांच से हो तो सिग्नल एंड सिस्टम छोड़ सकते हो, यहां से बार्क में क्वेश्चन नहीं आता, मैक्स में भी क्वेश्चन नहीं था, मैक्स में हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन कभी कभी आता है, मतलब हर साल है ना, कभी कभी उनका मन हुआ,
तो अगर आप बार की तैयारी कर रहे हो तो मैक्स और सिग्नल एंड सिस्टम आप छोड़ सकते हो, मैक्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम आप छोड़ सकते हो कोई डरने की वजह, जिसको सिग्नल एंड सिस्टम मैक्स से डर लगता है छोड़ सकता है, बार की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पढ़ोगे चलेगा। बाकी किन पे फोकस करना, डिजिटल एनालॉग ईएमएफटी और मटेरियल साइंस, यहां से 20 से 25 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और कंपेयर करोगे इन चार का तो ईएमएफटी से यहां पे बहुत ही कम होता है, ईएमएफटी में बार्क में बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं, लेकिन यहां से तो आते ही नहीं, मैक्स और सिग्नल सिस्टम से तो आते ही नहीं, लेकिन ईएमएफटी से कभी दो कभी तीन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मटेरियल साइंस से आ जाते हैं कभी तीन चार चार पांच क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन यहां से एनोलॉग और डिजिटल से। और अगर मोर प्रिसाइज, अगर लास्ट के पांच साल देखोगे तो मोर प्रिसाइजली अगर जाओगे तो ये वाला पोर्शन 20% है, ये वाला पोर्शन 80% है, तो यहां पे आपका होता है 80-20 रूल जो आप पढ़ते हो। आई इतनी बात समझ में? तो सबसे पहली हमारी, हमें यह ध्यान रखना है 45 दिन हमारे पास है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, हमें इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम मेजरमेंट्स पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाता। बार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको 8 से 10 क्वेश्चन तो दिखेंगे मिनिमम बार्क के एग्जाम में, और ये आपका गेम चेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है, ये आपको दूसरों से थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकता है जिन्होंने मेजरमेंट अच्छे से नहीं पढ़ा था गेट में। ओके, आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? एक बात और बताता हूं, गेट के सिलेबस में आपका क्यू मीटर नहीं है, लेकिन यहां पे करके जाना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। ओके, सारे सब्जेक्ट्स में आपको गेट का सिलेबस ही फॉलो करना है और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें मेजरमेंट में एड ऑन बता रहा हूं कि क्यू मीटर के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अगर ईएसई के लिए ट्रांसड्यूसर पढ़ा था तो वो भी रिवाइज करके जाना। अभी बोलोगे सर मटेरियल साइंस का क्या करें, मटेरियल साइंस अगर तुम ईएसई के लिए पढ़े हो, कल एग्जाम हुई थी ईएसई के लिए पढ़े हो तो करना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी तुम नहीं पढ़ पाओगे मटेरियल साइंस, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं तो जरूरत नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग पूरा इन सब्जेक्ट्स पे खर्च करो। इन सब्जेक्ट्स पे खर्च करने का मतलब ये है कि यहां से मेरा एक मतलब मार्क्स लूज नहीं करने, ये जो सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स, इन 6 सब्जेक्ट्स में से मार्क्स लूज नहीं करने हैं, अभी दिमाग में ये चीज बिठा दो कि ये सब्जेक्ट में से कोई भी 6 सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझसे बन जाना चाहिए। तुम रिटर्न क्लियर कर दोगे अगर ये सब्जेक्ट तुमने बार की एग्जाम में, अगर इन सब्जेक्ट्स में तुमने 95% क्वेश्चन सही कर दिए तो तुम गेम चेंजर हो जाओगे, तुम सिलेक्ट हो जाओगे। ओके, रिटर्न क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बना ही लोगे, क्योंकि डिजिटल एनालॉग ये और यहाँ पे मटेरियल साइंस, यहां से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, 20% यहां से आएगा, मैं मोर प्रिसाइजली लास्ट के 5 साल 20% यहां से, 80% यहां से, अभी तुम देखो कहां पे ज्यादा तुमको टाइम देना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम तुमको देना है। यहां पे अगर मैं 80% बोल रहा हूं ना, तो 80% में से भी 50% यहां से आते हैं, 45-50% इन तीन में से, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन में। कभी कभी तो आपको ऐसा दिखेगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है पेपर में सिर्फ नेटवर्क, कंट्रोल और मशीन के ही क्वेश्चन घूम रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लगेगा, तो 45 से 50 क्वेश्चन तो सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट्स में से आते हैं बार्क में, नेटवर्क, कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल मशीन। और नेटवर्क और कंट्रोल तो बहुत आसान है और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्क और कंट्रोल में बहुत ईजी, और इलेक्ट्रिकल मशीन में भी ईजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन में उस पर थोड़ा ध्यान देना, जो डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, कि रोटेटिंग मशीन में जो डीसी मशीन में रोटर यूज होता है उसका जो डायामीटर टू लेंथ रेशियो है वो कितना रखा जाता है, डायामीटर कितने एमएम का होता है, और स्टेपिंग और ट्रांसफॉर्मर में जो स्टेपिंग यूज होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, ऐसे थोड़े चीजें जो डेटा है ना वो पढ़ के जाना, वो बार्क में आते हैं क्वेश्चन। और बार्क में ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है, कोई 2 मार्क का है, गेट में ऐसा नहीं, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का वेटेज 3 मार्क का है, तो वो अगर याद रख, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं भी एग्जाम दिया था तो ऐसे क्वेश्चन थे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मर में जो स्टेपिंग यूज होती है उसमें उसकी थिकनेस क्या होती है, लेमिनेशन की थिकनेस क्या होती है, क्या रेंज होती है, डीसी मशीन में जो यूज होती है लेमिनेशन उसकी क्या थिकनेस होती है, ऐसे क्वेश्चन बार्क में पूछे जाते हैं तो करना। मेजरमेंट्स में अगर ईएसी के लिए ट्रांसड्यूसर पड़े हो तो रिवाइज करके जाना, क्यू मीटर को मत छोड़ना। आई इतनी बात समझ में? तो 80-20 रूल ये याद रखना, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मुझे इन 6 सब्जेक्ट्स में कोई भी मार्क्स लूज नहीं करने, मैथ्स से तो क्वेश्चन आता ही नहीं, मैथ्स और सिग्नल सिस्टम बार के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। आई इतनी बात समझ में? और यहां से भी डिजिटल एनालॉग ईएमएफटी मटेरियल साइंस आएगा भी, तो बहुत ही मटेरियल साइंस अपना
डेटाबेस क्वेश्चन और डिजिटल एनालॉग और ईएमएफटी से भी डिजिटल एनालॉग से ज्यादा आते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। तो 80-20 रूल ये याद रखना, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना कि सर मुझे हमें इन चीजों पे वीडियो चाहिए, या और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट ये भी करना, और किसी चीज में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और किसी चीज के लिए आप चाहते हो कि मैं आगे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप बता सकते हो। ओके, तो ये आ गया आपका OTT रूल। अभी यहां पे आते हैं, चलो यहां पे अभी लास्ट अभी ये आता है, सर आपने ये तो बता दिया कि सिलेबस हमें ये इन छह सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, लेकिन स्टडी के लिए मटेरियल क्या यूज करेंगे और सिलेबस क्या, क्योंकि बार की एग्जाम में जब नोटिफिकेशन आता है उसमें सिर्फ ऐसा लिखा होता है सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच स्ट्रीम, ऐसा सिलेबस स्पेसिफाई नहीं किया होता है जैसे गेट एग्जाम में होता है। तो जो गेट का सिलेबस है वहीं पे आपको स्टिक करना है और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो मैंने आपको मेजरमेंट में बताया कि क्यू मीटर और ट्रांसड्यूसर पढ़ के जाना अगर पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो क्यू मीटर पढ़ के जाना, ट्रांसड्यूसर छोड़ देना, अगर एसी के लिए पढ़े हो तो पढ़ के जाना। और दूसरा इलेक्ट्रिकल मशीन में मैंने आपको दो तीन चीजें बताई, वो भी नोट कर लेना, पढ़ के जाना कि स्टेपिंग का साइज क्या होता है। ओके, लेमिनेशन जो यूज करते हैं, ये लेमिनेशन जो यूज करते हैं, लेमिनेशन का थिकनेस कितना होता है ट्रांसफॉर्मर में, डीसी मशीन में D/L रेशियो कितना होता है, ये सब चीजें थोड़ा डेटा पढ़ के जाना। इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? ओके, अभी देखो आपको पढ़ना कैसे 45 दिन में, तो रिवाइज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, नया कुछ नोट्स वोट नहीं बनाना है, जो आपने गेट के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बस उनको रिवाइज करते चलो, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो। प्रैक्टिस के लिए क्या यूज करोगे, बस दो चीजें, ईएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज करोगे और दूसरा गेट के जो वन मार्क क्वेश्चन है वो यूज करोगे। ओके, गेट के जो वन मार्क क्वेश्चन है वो यूज करोगे और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन तीन सब्जेक्ट जो आपका है, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी और फिर तीसरा कौन सा था, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इन तीन सब्जेक्ट्स में गेट के दो मार्क्स वाले क्वेश्चन भी लगा के जाना, क्योंकि मैंने पहले बोला 100 में से 45 से 50 क्वेश्चन सिर्फ इन तीन सब्जेक्ट्स में से ही दिखेंगे, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, सिर्फ जो गेट के शॉर्ट नोट्स बना है वही रिवाइज करते चलो 45 दिन तक, और साथ साथ में ये भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? ओके, तो चलो फिर इस वीडियो में मुझे आपको ये इंफॉर्मेशन, हाँ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि गेट का तो मैंने आपको बता दिया कट ऑफ, रिटर्न में जो कट ऑफ है लास्ट के 4-5 साल का बता रहा हूं, 190 से 200 के बीच में, 300 में से और अगर 190 और 200 के बीच में मार्क्स आते हैं तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आने की पूरी संभावना है। तो आप देख सकते हो अगर जो ये 80% वाले सब्जेक्ट से उनमें तुम ऐसा समझ लो उसमें से 75 क्वेश्चन आ गए, 80 क्वेश्चन आ गए समझ लो, और तुमने 70-75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए विथ 95% एक्यूरेसी, तो भी तुम गेम चेंजर हो जाओगे, तुम खेल जाओगे, तुम्हारा रिटर्न में सिलेक्शन मतलब रिटर्न क्वालिफाई कर सकते हो और इंटरव्यू तक जा सकते हो। एक बात याद रखो, अगर इंटरव्यू में चले गए तो वहां पे फिर रिटर्न में जो मार्क्स आए उनका कोई भी मतलब, आगे जो रिटर्न के मार्क्स हैं और जो गेट में स्कोर है वो सिर्फ आपको इंटरव्यू कॉल के लिए ही यूज होता है। एक बार बार के इंटरव्यू में पहुंच गए तो आगे जो इवेल्युएशन प्रोसेस है उसमें आपके गेट के स्कोर और मार्क्स यूज नहीं होते। एक बार इंटरव्यू में चले गए तो जिसके 190 मार्क आए वो भी सेम है, जिसके 200 मार्क्स आए वो भी सेम है, पूरा जो इंटरव्यू पे पहुंच गए उसके बाद रिटर्न का और गेट स्कोर का कोई भी वहां पे रोल नहीं होता है फर्दर इवेल्यूएशन प्रोसेस में। फिर बस जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे प्योरली उन मार्क्स के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, ये भी बात याद रखना। सिर्फ आपको आपको सिर्फ रिटर्न क्लियर करना है, रिटर्न क्लियर करना है, रिटर्न में टॉप वॉप नहीं, सिर्फ क्लियर करना है। क्लियर करने का मतलब है किसी अगर 250 मार्क्स आते हैं तुम्हारे 200 मार्क्स है, इंटरव्यू पे चले गए तो दोनों सेम है फिर उनका आगे, क्योंकि रिटर्न का मार्क्स इवेल्यूएशन में यूज नहीं होते। ओके, तो चलो फिर आई थिंक इस वीडियो में जो मुझे इंफॉर्मेशन देना था, जो बहुत मुझे लग रहा था कि 45 दिन पढ़े तो बच्चों को कुछ क्या बताया जाए इसके बारे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डिलेमा में होंगे एक्चुअली हमें कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे ब्रॉड वे में स्ट्रक्चर पूरा बता दिया कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करना है। तो जो 6 सब्जेक्ट्स बताए उस पे अपना 80% टाइम देना, ओके मैं तो बोलूंगा 90% टाइम ही उधर दे दो, क्योंकि तीन है ना, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक, यहीं से 45 से 50 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, बार्क में डबल ही की बात कर रहा हूं, ये
तो कर पढ़ोगे कैसे, स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए अभी से ही, आज से ही कैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, गेट के लिए जो शॉर्ट नोट्स बना है वो रिवाइज करो, साथ में पीवाईक्यू लगाओ ईएसई और गेट के। ओके चलिए फिर इस सेशन को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी और मतलब चीज के रिलेटेड, किसी और एग्जाम के रिलेटेड, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपके लिए यूजफुल था वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।